ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन रहता है कि जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन भी उतना ही लग जाएगा। इसीलिए तो नाम दिया है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद ही एडजस्ट कर लेता है। कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती फ्रिक्शन की कि दो ही लगेगा, नहीं, अगर 1.2 एक्सटर्नल है तो फ्रिक्शन भी 1.2 लगेगा, अगर 0.9 एक्सटर्नल है तो फ्रिक्शन भी 0.9 लगेगा। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है भैया, तुम जितना लगाओगे हम उतना लगाएंगे, लेकिन एक क्षमता के बाद हम रुक जाएंगे और तुमको आगे जाने का रास्ता दे देंगे। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरस्क्वेयर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं फ्रिक्शन के बेसिक टाइप्स के बारे में, कि फ्रिक्शन जो होता है वो आखिर होता क्या है, उसके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ कुछ चीजें आप लोगों को ऐसी समझ में आएंगी जो आप लोगों को पहले से नहीं पता होंगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखो अच्छे से पूरा एंड तक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन है क्या, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारे पास में होता क्या है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जो भी बच्चे फ्रिक्शन पढ़ रखे हैं, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है। एक इसको मैं आपको बताता हूँ कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो कि खुद ही एडजस्ट होता रहता है अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, एंड इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करे किसी भी दो सरफेस पे। मतलब मान लो कि हमारे पास में ये मार्कर है, ये बोर्ड है। अब अगर मैं इस मार्कर को इस बोर्ड पे ऐसे स्लाइड कराने का ट्राई करूं तो कुछ फ्रिक्शन लगेगा जो ट्राई करेगा कि ये मार्कर इस बोर्ड पे जो है वो स्लाइड ना हो, ठीक है। तो जो भी रिलेटिव मोशन होता है किसी भी दो सरफेस पे, उसको रोकने के लिए जो भी फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, या फिर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। अब मेरी बात ध्यान से समझना, फ्रिक्शन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक अगर हम इस ऑपोजिशन को देखें, इस ऑपोजिशन प्रोसेस को देखें जो कि अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, इस प्रोसेस को देखें अगर हम, तो फ्रिक्शन दो टाइप का होता है जिसके क्लासिफिकेशन हमारे पास में होता है, ड्राई एंड वेट फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेस्ड ऑन, ध्यान से देखना, बेस्ड ऑन ऑपोजिशन प्रोसेस। ये दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या होता है, ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में होता है वेट फ्रिक्शन। ये दो टाइप का हमारे पास में जो है फ्रिक्शन होता है, ड्राई फ्रिक्शन एंड वेट फ्रिक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई ड्राई क्या होता है, वेट क्या होता है, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो ड्राई फ्रिक्शन बेसिकली जो इररेगुलरिटीज होती है सरफेस में, जो इररेगुलरिटीज होती है, फिर जो रफनेस होती है, कोई सरफेस होता है जो रफ होता है उसमें कुछ इररेगुलरिटीज होती है, तो क्या होता है उस केसेस में, हम उसको बोलते हैं उस केसेस में इररेगुलरिटीज, जिस केसेस में हो इररेगुलरिटीज या फिर रफनेस, इन सारे केसेस में जब फ्रिक्शन लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी दो सरफेस के बीच में, तो हम उसको ड्राई फ्रिक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। और वेट फ्रिक्शन जो होता है, ये होता है हमारे पास में कोलिजन्स, कंटिन्यूअस कोलिजन्स, जैसे कि एयर फ्रिक्शन। एयर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में जो कि एयर से रेगुलर कोलिजन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वेट फ्रिक्शन की कैटेगरी में। तो यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूअस कोलिजन का हमारे पास में, कंटिन्यूअस कोलिजन होने की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है, फॉर एग्जाम्पल एयर फ्रिक्शन, ऐसे टाइप के हम फ्रिक्शन को डालते हैं अपने वेट वाले कैटेगरी में। समझ में आ रहा है आपको? तो ड्राई फ्रिक्शन कौन सा हुआ, इररेगुलरिटीज हुआ किसी दो सरफेस में, रफनेस वगैरह हुआ। तो वेट फ्रिक्शन कौन सा हुआ, कंटिन्यूअस कोलिजन हुआ, या फिर एक एग्जाम्पल है जिसका, एयर फ्रिक्शन कंटिन्यूअस कोलिजन है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो एयर में जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली एयर से उसको कोलिजन फेस करने को मिल रहा है। तो फ्रिक्शन क्या हमारे पास में, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन बेस्ड ऑन द ऑपोजिशन, बेस्ड ऑन द ऑपोजिशन प्रोसेस। ऑपोजिशन प्रोसेस पे अगर हम बेस करें तो ये हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, ड्राई फ्रिक्शन एंड
वेट फ्रिक्शन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन होता क्या है, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा आपके जो तीन केसेस होते हैं स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, उस पर मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है, सपोज कर लो हमारे पास में ये एक ब्लॉक है, सपोज कर लो ये एक हमारे पास में ब्लॉक है और ये हमारे पास में एक सरफेस है। तो ये हमारे पास में सरफेस है और ये हमारे पास में ब्लॉक है, लेट्स से मास एम का। तो होता क्या है, ऐसे देखने में तो आपको समझ में नहीं आता है, बट ये जो होते हैं इनके जो सरफेसेस होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर यू नो जुड़े हुए होते हैं, लॉक्ड होते हैं आपस में। तो क्या होता है, अगर आप किसी भी एक छोटे से एरिया को मैक्रोस्कोप में बड़ा करके देखो, अगर आप बड़ा करके देखते हो ना, तो सरफेस आपको ऐसे दिखते हैं, सरफेस आपको ऐसे दिखते हैं, इंटरलॉक दिखते हैं आपको दोनों सरफेसेस। ये जो हमारे पास में ग्राउंड है, ये जो हमारे पास में ग्राउंड है और ये जो हमारे पास में ब्लॉक है, तो ये सरफेसेस आपस में जो है इंटरलॉक्ड होते हैं, अगर आप उसको बड़ा करके देखोगे तो इस वजह से जो है, इसके वजह से जो हमारे पास में जो ऑपोजिशन आता है उसी को हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ध्यान से समझने का ट्राई करो कि होता क्या हमारे पास में, मान लो ये हमारे पास में ऊपर का सरफेस है, ये हमारे पास में मान लो नीचे का सरफेस है, इस तरीके से आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो। अब होता क्या है कि अलग अलग सरफेस पे जो है नॉर्मल अलग अलग लगता है, ठीक है। अगर हमारे पास में सीधा होता तो नॉर्मल ऊपर लग जाता, बट होता क्या है इस केसेस में हमारे पास में नॉर्मल कहीं ऐसे लग रहा है, कहीं नॉर्मल ऐसे लग रहा है, जहां इच्छा पड़े वहां वैसे नॉर्मल लग रहा है उसका, क्योंकि जो सरफेस है वो इरेगुलर है, वो रेगुलर सरफेस नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं है, इरेगुलर सरफेस है। तो जो नॉर्मल है वो अलग अलग डायरेक्शन पे लग जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है, इस नॉर्मल के अब दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आते हैं, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट आते हैं। एक हॉरिजॉन्टल आता है, एक वर्टिकल आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है, एक वर्टिकल आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है, एक वर्टिकल आता है। तो जितने भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो नीचे में जो एमजी हमारे पास में धरती माता का प्रकोप उसको बैलेंस आउट करते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो आपस में मिल करके कंस्टिट्यूट करते हैं हमारा फ्रिक्शन। मतलब कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन ये जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं इनका क्यूमुलेटिव जो एक इफेक्ट आ रहा है उसी को हम जो है फ्रिक्शन का नाम दे रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब समझने का ट्राई करना, मान लो मैं एक ब्लॉक को यहाँ पर रख देता हूँ, एक ब्लॉक को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये एक हमारे पास में ब्लॉक है, ये हमारे पास में एक ग्राउंड है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पर है, कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है ना, तो कुछ भी यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे पास में रेस्ट पर रहेगा। अब मान लो मैं इस पर कोई फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूँ, तो इसके वजह से क्या होगा, जब ये फोर्स लगाना मैं स्टार्ट कर दूंगा तो जो नॉर्मल फोर्सेज है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पे जो जो लॉकिंग है वो जो है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा कि हमारे पास में ग्राउंड की वजह से नॉर्मल फोर्सेस आने लग जाएंगे, और नॉर्मल फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये सरफेस इररेगुलर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएंगे नॉर्मल फोर्सेस के, एंड वो जब हमारे पास में आने लगेंगे तो इन दैट केस हमारे पास में जो है ये एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, इस तरफ से अपोजिंग फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन का नाम देंगे। मतलब ये क्या होता है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, जनरली हर समय नहीं, जनरली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम और प्रिसाइसली बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन जिस जगह हो रही है उसके ऑपोजिट में ट्राई करता है फ्रिक्शन फोर्स लगने का, और फिर उसके ऑपोजिट में क्या है उसको रोकने का ट्राई करता है कि भाई रिलेटिव मोशन ना हो। तो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बेस्ड ऑन द अपोजिशन प्रोसेस। ड्राई फ्रिक्शन होता है रेगुलरिटीज की वजह से, सरफेस के रफनेस की वजह से, और वेट फ्रिक्शन होता है कंटिन्यूस कोलिजन की वजह से। एग्जाम्पल मैंने दे दिया एयर फ्रिक्शन, आपको मैंने थोड़ा सा फील कराने की कोशिश कर दिया कि किस तरीके से रेगुलरिटीज होती है सरफेस में, और इररेगुलरिटीज की वजह से लॉकिंग होता है, इंटरमोलिक्यूलर लॉक क्रिएट होता है, इंटरमोलिक्यूलर एक लॉकिंग क्रिएट होता है, और उस लॉकिंग के वजह से क्या होता है कि जो बॉडी है वो मूव, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे बॉडी पे या फिर बॉडी की टेंडेंसी होगी मूव करने की, तो फ्रिक्शन एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और उस बॉडी को ट्राई किया जाएगा जितना हो पाए उसको रेस्ट पे ही रखने का। तो ये क्या करता है हमारे पास में, अपोज करता है रिलेटिव मोशन, और क्या बोल सकते हैं हम मूवमेंट की टेंडेंसी को रोकता है, tries to stop the movement या तो movement को stop करने का try करता है, या फिर movement होने की tendency, और tries to stop the tendency of
मूवमेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार मूवमेंट हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि हर बार मूवमेंट हो रहा हो, कई बार टेंडेंसी होती है मूव करने की। मान लो मैंने यहां पर फोर्स लगाया और फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिवेट हो गए और ये बॉडी रेस्ट पर ही रह गया, ये जो है ये हिला नहीं, तो इस वक्त क्या था, टेंडेंसी थी मूव होने की जिसको फ्रिक्शन ने रोक दिया। अब एक दूसरा केस इमेजिन कर लो, मान लो कि बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी मूव भी कर रहा है और फ्रिक्शन अपना जोर लगा रहा है, ट्राई कर रहा है रोकने का, बट फ्रिक्शन पूरी तरीके से उसको रोक नहीं पा रहा है, तो उस केसेस में हम बोलेंगे कि ट्राइंग टू स्टॉप द मूवमेंट। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आई है? तो कुछ नहीं है, रेस्ट पर है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा क्योंकि उसकी मूव करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल फोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे उसके वजह से हमारे पास में फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ये जो फेनोमेना हो रहा है इसी को हम क्यूमुलेटिव तरीके से बोलते हैं कि फ्रिक्शन हमारा एक्ट हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो उसमें हम लोग चले जाते हैं कि भाई फ्रिक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो फ्रिक्शन के तीन मेन टाइप्स होते हैं, ये हमारे पास में फ्रिक्शन के तीन मेन टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये हमारे पास में दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये हमारे पास में तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है। तीनों को आप अगर ध्यान से समझते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तीनों के फॉर्मूलेज भी मैं बताऊंगा, कंसेप्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है समझना, स्टैटिक फ्रिक्शन कब ऐड करता है, जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है, जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है, स्टैटिक मींस रेस्ट, तो जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये हमारे पास में लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ये लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है, किसका लिमिट है, स्टैटिक फ्रिक्शन का ही ये मैक्सिमम लिमिट है। ये क्या है, लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे क्या होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन है जब बॉडी मूव कर रही है, तो काइनेटिक मतलब क्या होता है, मोशन, काइनेटिक एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर, तो काइनेटिक मतलब मोशन होता है, तो जब बॉडी मूव कर रही होती है तब हमारे पास में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि ये तीनों क्या होते हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या केस बनता है। सबसे पहले आप इमेजिन कर लो कि ये हमारे पास में एक ब्लॉक है मास m का और ये हमारे पास में एक सरफेस है। अब ये एक इररेगुलर सरफेस है, ये क्या है, इररेगुलर सरफेस है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये हमारा ड्राई फ्रिक्शन कैटेगरी में आएगा, ये हमारे सिलेबस के अंदर है, जेई मेन के सिलेबस में है, ये वाला जो है हमारे पास में जेई मेन एडवांस, इसके सिलेबस में हमारे पास में नहीं है, जेई नीट के सिलेबस में हमारे पास में प्लस टू में नहीं है, ये हम लोग आगे फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन फ्रिक्शन के नजरिए से हमको सिर्फ ड्राई फ्रिक्शन पे फोकस करना है, सिर्फ हमको इस पे फोकस करना है, राइट। अब ये हमारे पास में क्या है, मास m है और हमारे पास में इस तरीके से सरफेस दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर समझने वाले हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है। अब मान लो पहले तो फॉर्मूला देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉर्मल। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉर्मल, ठीक है। जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इस चीज को आप समझ पा रहे हो ना, यहां से ही आप समझ पा रहे हो, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। और उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए जो कोएफिशिएंट है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं म्यू इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है या तो स्टैटिक होता है या तो काइनेटिक होता है, डिपेंडिंग कि भाई कौन सा हमारे पास में केस है। ध्यान समझना, मैं इसका ग्राफ भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है हमारे पास में कि स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, मान लो अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहां पर म्यू एस बन जाता है, म्यू एस ये हो जाता है स्टैटिक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अगर काइनेटिक है तो म्यू के लिख देते हैं, तो ये है काइनेटिक, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, मैं आपको अभी अच्छे से समझाता हूं। अब देखो होता क्या है कि मान लो इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो जब तक फोर्स नहीं लग रहा था तब तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, है ना, वो रेस्ट पर था, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, नॉर्मल फोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे, फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और फिर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने लगेगा। अब इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन की एक क्षमता होती है, फ्रिक्शन की एक कैपेसिटी है, लेट से आपको फील कराता हूं, मान लो फ्रिक्शन 5 न्यूटन तक झेल सकता है,
5 न्यूटन तक फ्रिक्शन झेल सकता है। तो अगर मान लो ये फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शन बोलेगा आजा 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 कोई दिक्कत नहीं है, हाँ धर रहा हूं मैं, तो फ्रिक्शन क्या उसको धर लेगा। अब मान लो ये बोला अच्छा बेटा चल 2 न्यूटन लगा, तो फ्रिक्शन बोलेगा अबे कोई नहीं आना 2 न्यूटन से आजा कोई दिक्कत नहीं, और बॉडी रेस्ट पे रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन की उतनी कैपेसिटी कि यार ये 2 न्यूटन को झेल ले। फिर 3 लिया अबे आजा आजा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 लिया आजा आजा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 लिया तो फ्रिक्शन की फटने लगी, फ्रिक्शन की फटने लगी, अब ये मैक्सिमम कंडीशन आ गया। अब फ्रिक्शन मन मन में घबरा रहा है कि भाई हल्का सा भी अगर वो 0.1 भी अब बढ़ा दिया तो भैया मेरे तो लग गए भैया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो चुकी है। ये मैंने एक आपको केस बताया कि 5 न्यूटन को एग्जांपल ले लो, ऐसा 5 न्यूटन फिक्स नहीं होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो यहां पर अब मान लो इससे थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ता है, थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन जाता नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन की क्षमता क्रॉस हो जाती है कि वो उसको रोक पाए। तो अब वो बॉडी मूव करता है, फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि अब बॉडी मूव कर रहा है। तो जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा तो हम लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए म्यू के की वैल्यू को यूज करेंगे, और जब बॉडी रेस्ट पर रहेगा तो हम लोग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए म्यू एस को यूज करेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई है, क्या ये बात आपको क्लियर हुई है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यार आपको ये सब चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है, मान लो म्यू की वैल्यू, अब देखो होता क्या है, एक आपको केस लेके समझाता हूं। सपोज कर लो म्यू एस इक्वल टू 0.2, म्यू एस की वैल्यू 0.2 है किसी एक सरफेस के लिए, एंड सपोज कर लो म्यू के की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से छोटी होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। जो फर्जी सवाल होते हैं वो आपको बोलते हैं कि म्यू की वैल्यू इतना ले लो, आप चाहे वो स्टैटिक हो काइनेटिक हो आपको वही लेना है, लेकिन एक्चुअल में म्यू के की वैल्यू जो है वो म्यू एस से थोड़ी सी कम होती है। आपको मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा कि भाई कैसा क्या केस बनता है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप सेम ले लेना दोनों को, ठीक है ना। तो अब देखो अब मान लो नॉर्मल जो मास है, मास को कुछ ले लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे मास को ले लेते हैं, कुछ मास को हम ले लेते हैं, कितना ले लें, m इक्वल टू 1 kg ले लेते हैं, है ना, m इक्वल टू 1 kg ले लिया हमने। अब देखो mg कितना आएगा, अब आप समझने का ट्राई करो, mg कितना आएगा, नॉर्मल कितना आएगा, 10 आएगा, है ना, 10 आएगा, ऊपर भी 10 आएगा, नॉर्मल फोर्स 10 न्यूटन का आएगा नॉर्मल फोर्स, है ना, mg आया 10, 1 × g, राइट। तो ये हमारे पास में नॉर्मल आ जाएगा 10 का, तो नॉर्मल कितना आ गया हमारे पास में, नॉर्मल आ गया हमारे पास में 10 का हमारे पास में यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में नॉर्मल आ जाएगा 10 न्यूटन का, यहाँ पर भी आ गया नॉर्मल हमारे पास में 10 न्यूटन का, ठीक है। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू मैंने ले ली। अब मेरी बात समझना, अब आप इसको कैलकुलेट कर लो तो म्यू एस आपको पता चल गया, नॉर्मल आपको पता चल गया, मतलब मैंने ये एक पर्टिकुलर केस लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में जो फ्रिक्शन है उसको आप कैलकुलेट कर लो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है म्यू एस इंटू नॉर्मल, और काइनेटिक की वैल्यू आ रही है म्यू के इंटू नॉर्मल, और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ये आ रही है हमारे पास में 0.2 इंटू 10 जो कि आ रहा है 2, स्टैटिक के केस में 2 न्यूटन, और काइनेटिक के केस में आ रहा है ये हमारे पास में 1 न्यूटन। क्या ये आपको समझ में आया, इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है, 2 न्यूटन की क्षमता है। मतलब क्या हुआ, अब देखो अब मजा आएगा आप लोगों को मजा आएगा। अब देखो आपको अब क्या है यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे 0.5 न्यूटन का फोर्स लगता है तो बॉडी रेस्ट पर रहेगा क्योंकि कैपेसिटी तो 2 न्यूटन की है ना, तो लगा ले 0.5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अभी कौन से जोन में है, ये अभी स्टैटिक जोन में है, कौन से जोन में, स्टैटिक जोन में है ये अभी, रेस्ट वाले जोन में, ठीक है। अब ये बढ़ के 1 लग गया, अब ये बढ़ के कितना लग गया, 1 लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैपेसिटी तो 2 की है ना, अभी तो रेस्ट पर रहेगा वो। फिर ये मान लो 1.5 लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, रेस्ट पर रहेगा। अब जब ये 2 लग जाएगा ना तब फ्रिक्शन की फटने लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम क्षमता उसको रोकने की 2 तक ही थी। तो फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इस केस में कितनी हुई, लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 की हुई, और स्टैटिक वैल्यू कितनी हुई, 0 से लेकर के पूरी 2 तक हुई। समझने का ट्राई करना आप लोग कि 0 से लेकर के जब वो 2 न्यूटन तक जा रहा था फ्रिक्शन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू को बढ़ा रहा था। जब फोर्स लग रहा था 1 का तो फ्रिक्शन भी लग रहा था 1 का, जब फोर्स लग रहा था 1.5 का फ्रिक्शन भी लग रहा था 1.5 का, जब फोर्स लगा 2 का तो फ्रिक्शन भी लगा 2 का, लेकिन 2 से हल्का सा ज्यादा, 2 जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है, 2 न्यूटन इज द लिमिटिंग वैल्यू,
टू से हल्का सा ज्यादा करोगे तो बॉडी मूव करना स्टार्ट तो करेगी ही सही, साथ में जो फ्रिक्शन है वो भी घट के वन हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारे पास में वो वन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारे पास में है वो वन ही लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए अब तो बॉडी भी मूव करेगी और फ्रिक्शन अब वन ही लगेगा, क्योंकि इस केस में हमने म्यू के की वैल्यू को अलग लिया है म्यू एस से, जो कि जनरली होता है। अगर सेम होता तो टू रहता, अगर सेम होता तो टू रहता, ठीक है, लेकिन अभी वन लग जाएगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास में वन आई है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? मैं आप लोगों को एक बार और समझाने का ट्राई करता हूँ, ग्राफ से समझाने का आप लोगों को ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये हमारा फोर्स है, फोर्स एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये हमारा फ्रिक्शन है, ये हमारा फ्रिक्शन है, ठीक है, न्यूटन में है दोनों चीजें। अब होता क्या है कि इस केस को हम लोग देख रहे हैं, मान लो ये 0.5 है तो ये भी 0.5 रहता है, ये अगर 1 है ना तो ये भी 1 रहता है, ये अगर 1.5 है ना तो ये भी 1.5 रहता है, और ये अगर 2 है तो ये भी 2 रहता है। मतलब कि ये जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन रहता है, कि जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन भी उतना ही लग जाएगा, इसीलिए तो नाम दिया है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद ही एडजस्ट कर लेता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती फ्रिक्शन की कि 2 ही लगेगा, नहीं, अगर 1.2 एक्सटर्नल है तो फ्रिक्शन भी 1.2 लगेगा, अगर 0.9 एक्सटर्नल है तो फ्रिक्शन भी 0.9 लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है भैया, तुम जितना लगाओगे हम उतना लगाएंगे, लेकिन एक क्षमता के बाद हम रुक जाएंगे और तुमको आगे जाने का रास्ता दे देंगे, तो जब तक उसकी क्षमता है तब तक ये मान लो 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी 0.5, 1, 1.5 और 2 लगता है। लेकिन 2 से हल्का सा ज्यादा हो गया, 2 से हल्का सा ज्यादा हो गया तो उस केस में अगर म्यू की वैल्यू स्टैटिक काइनेटिक सेम है तब तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, तब तो ये ग्राफ 2 पे कांस्टेंट रह जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो 2 पे रह जाएगा, तुम चाहे जितना मर्जी बढ़ा लो अब मेरी और क्षमता नहीं है, तुम जितना फोर्स बढ़ा लो मैं तो 2 पे ही रहूंगा। लेकिन अगर हमारी म्यू के की वैल्यू जो जनरली थोड़ी सी कम होती है अगर वैसी हो तो ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा, ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, ये किंक देखने को मिलता है इस तरीके से, ये एक्चुअल ग्राफ हमारे पास में होता है, ये किंक देखने को मिलता है, ये ग्राफ जो है अब देखो वापस से 1 पे आ गया, ये वापस से 1 की लाइन पे आ गया, जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को 2 से आगे बढ़ाया तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 2 से घट करके 1 पे आ गया, क्योंकि उसकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 1 थी। तो इसमें हमारे पास में क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा, 0 से 2 के बीच में लगा जब तक उसको लगना था, जितना मस्त लग गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी थी, 2 पे थी, 2 पे लिमिटिंग फ्रिक्शन थी भाई, वो लिमिटिंग वैल्यू, उससे ज्यादा अब मैं नहीं लगा सकता। उसके बाद में काइनेटिक कितनी थी, काइनेटिक हमारे पास में 1 थी इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये घट करके ऐसे हो गया, ये हमारे पास में ग्राफ है फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स का, जो आप लोगों को ध्यान से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इतना समझ लिया है ना यार, तो आप समझो कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है फ्रिक्शन का वो क्लियर कर दिया है मैंने। अब इसके बाद में कुछ कुछ चीजें और भी हैं, फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह है, तो वो सब आप लोग देखो, बुक्स वगैरह खोलो एंड समझने का ट्राई करो, एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता है, मैं भी आप लोगों को कराऊंगा। तो वापस से एक ओवरव्यू देता हूं आप लोगों को, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब यहां पे एक ब्लॉक मैंने लिया है, 2-3 ब्लॉक आ जाते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं। ट्राइज टू स्टॉप द मूवमेंट और ट्राइज टू स्टॉप द टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट, ड्राई फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन होता है, रेगुलरिटी, कंटीन्यूअस कोलिजन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ड्राई फ्रिक्शन सिलेबस में है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा फील कराने का कोशिश किया कि इंटरमॉलिक्यूलर लॉकिंग की वजह से कैसे हमारे पास फ्रिक्शन लगता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन लगता है। उसके बाद में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पर मैंने म्यू की वैल्यू 0.2 0.1 ले ली, मास को मैंने 1 ले लिया ताकि नॉर्मल 10 आ जाए, सिंपल कैलकुलेशंस दिखाया मैंने आप लोगों को, और फिर अलग-अलग फोर्स के वैल्यूज लेके मैंने आप लोगों को फील कराए कि किस तरीके से हमारे पास में जो ग्राफ है वो वेरी करता है, स्टैटिक का कौन सा जोन है, काइनेटिक का कौन सा जोन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कौन सा जोन है। काइनेटिक मतलब अब बॉडी मूव कर रही है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अचीव हो चुकी है, उससे ज्यादा हो चुका है, अब या तो वो काइनेटिक लग जाएगा, और या अगर काइनेटिक नहीं दिया हुआ है म्यू, कई बार क्वेश्चन में क्या है आपको ये दोनों एक ही दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा म्यू इक्वल टू 0.2, तो ऐसे केसेस में आपको काइनेटिक को भी 0.2 ही लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, राइट, समझ में आ गया। और जहां दिया हुआ है वहां पे ऐसा ग्राफ बन जाएगा, किंक आएगा, नीचे हो जाएगा, काइनेटिक में जाते ही फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो गया आप लोगों को, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगी, आप कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स पसंद आए हैं, क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बने रहिए यार।